गुड मॉर्निंग, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। एक और नया दिन, एक और नई वीडियो की शुरुआत। आज 11:36, ऑलरेडी 11:30 इन द मॉर्निंग। और चलते हैं सबसे पहले अब एक एंड लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर, देखते हैं वहां पे क्या चल रहा है। उम्मीद है विनय श्रीवास्तव जी सेवा के लिए आ गए होंगे, देखते हैं जो भी अपडेट होता है आपको वहां पहुंच के आपको बताते हैं। पहुंच गए हैं अब एक एंड लाइव तिलक नगर कॉन्टैक्ट सेंटर। आते ही तलब लगी चाय की, भाई साहब को पूछा, भाई साहब तो 11 बजे से आए हुए हैं तो मेरे से तकरीबन 1.25 घंटा पहले आ गए हैं। मैंने पूछा भाई साहब चाय पीने चले, चाय पियोगे? क्या जवाब दे रहे थे आप? चाय तो कभी पी जा सकते हैं, चाय को कोई मना नहीं है ना, ना घर पे मना है ना यहाँ मना है, तो चलते हैं बाहर अपने वो चाय वाले के पास, चाय पी के आते हैं पहले। ये देखो जी चाय तो इन्होंने बनानी शुरू कर दी है। हाँ जी भाई जी, कैसे हैं? बढ़िया बढ़िया, चाय बना दो, फर्स्ट क्लास दो, मस्त वाली। हाँ जी, तिलक नगर चौक वही इलाका, पर अभी पार्किंग नहीं है यहाँ पे क्योंकि आज बुधवार है ना, तो उतने ज्यादा शॉप ओनर्स नहीं है, ज्यादातर गाड़ियाँ यहाँ पे जो खड़ी होती है शॉप ओनर्स की होती है, तो आज तो थोड़ा सा खुला खुला माहौल नजर आ रहा है। चाय पीने के लिए आए थे तो मैंने कहा आज भी दिखा देता हूँ, जब भी आता हूँ मैं दिखाई देता हूँ। ये देखो आज ना खुला है थोड़ा एरिया, क्योंकि बुधवार होने के कारण यहाँ पे शॉप ओनर्स की गाड़ियाँ भी नहीं है और लोग भी नहीं आ रहे ज्यादा गाड़ियों से, तो खाली है थोड़ा सा इलाका। ठीक है, चलो चाय पी लेते हैं फिर चलते हैं वापस सेंटर पे और वहां चल के मिलते हैं। देखो जी तिलक नगर चौक पे हमारे को हमारे एक और अच्छे दोस्त मिल गए हैं जो लोगों को फल खिला के उनकी सेहत का पूरा ध्यान रखते हैं। मस्त भैया, कोई भी तरह का आपने वो खाना हो ना, स्नैक्स या फास्ट फूड, उसकी बजाय ये फल खा लो तो ज्यादा बढ़िया होता है। कैसे बोलते हो भाई आप जरा फल वालों के लिए? कोई भी आता है तो हम बोलते हैं सेब ले लो, जोर से जैसे आवाज मारते हो बताओ, सेब ले लो, पपीता ले लो, केला ले लो, इतनी स्लो आवाज तो नहीं होती। चलो, इन्होंने हमारा चैनल भी सब्सक्राइब कर लिया है और इनके फल भी बिक रहे हैं बढ़िया, जो भी इनको देख लो ना शक्ल से पहचान के रोक के फल खरीद लेना इनसे। ठीक है भाई, ये देखो हमारे एक और भाई मिले, क्या नाम है? इरशाद। और ये भी फल का काम करते हैं और इनको भी देख लेना, तो ये हरिनगर सुभाष नगर की साइड में होते हैं, ले लेना फल इनसे भी। ठीक है भाई, सब्सक्राइब इन्होंने भी कर लिया आज। आज ना बहुत दिनों के बाद एक हमारे ये दोस्त हैं, ये देखो छुप रहे हैं, ये आए हैं आज हमारे पास सेंटर पे, कितने दिनों के बाद आए हैं। और मैंने कहा भैया अटेंडेंस लगाए बगैर तो नहीं जाने दूं। देखो जी जाते जाते आ गए थे और ये बन रहे हैं अपने बल्ले, ये देखो मस्त भाई जी बना रहे हैं हमारे दही बल्ले, वो बल्ले पैक करा लेते हैं और घर चल के खाते हैं। और अब सीधे ही घर पहुंच के मिलते हैं आपको। हाँ जी, पहुंच गए हैं घर पे और ये आ गए हैं हमारे दही भल्ले कटोरी के अंदर, इनफैक्ट कटोरे के अंदर, तो दही भल्ले खा लेते हैं। एक्चुअल दही भल्ले हैं यार ये, कई जगह पर जाते हैं तो वो दही भल्ले के नाम पे ना कोई क्रीम सी होती है वो डाल देते हैं, उसमें एग्जैक्ट दही नहीं होती, पर ये जो काबली भल्ले हैं ना इसके अंदर एग्जैक्ट दही होती है और बड़े टेस्टी लगते हैं। राइट, सो फटाफट से खा लेते हैं, थोड़ा सा काम है वो निपटा लेते हैं क्योंकि अभी फिर फिलहाल सिर्फ टाइम जो है वो 3:15 हुए हैं, 3:15, तो थोड़ा सा जो काम है वो निपटा लेते हैं और थोड़ा सा रेस्ट करते हैं और अब आपको डायरेक्ट मिलते हैं अपन चाय के टाइम पे शाम को 5:30 के करीब। ठीक है, हो गया हल्का फुल्का आराम, थोड़ी देर में सो भी गया था, अभी टाइम हो गया है 5:14, ऑलमोस्ट 5:15 इन द इवनिंग। और भैया एक बात जो कहनी बनती है, राइट, जहां मर्जी चाय पी लो, जैसी मर्जी कड़क बनी हो हल्की बनी हो, पर जो आमने सामने बैठ कर चाय पीने का मजा है ना, एकदम मस्त वाली चाय बनी हो और आपके साथ सामने बैठ के पी रहा हूं और बीच में कोई भी ना हो, साथ में ये कुकीज और वही वाला अपना मैजिक पोशन, मजा ही आ जाता है। वैसे यार कितना, 10% से नीचे, 5% ही रह गया, समझ आ रही है ना? तो चाय पी लेते हैं फिर देखते हैं क्या करना है। राइट, चाय पी के अगले अपडेट के साथ फिर मिलता हूं। हो गए हैं जी रेडी और टाइम हो गया है 7:05, ओनली 5:07 इन द इवनिंग।
और अपना गेड़ी का टाइम भी हो गया है, चलते हैं बाहर और बाहर चल के देखते हैं क्या हालात हैं बाहर के। बिल्कुल हल्की हल्की सी मीठी मीठी सी ठंडक और ट्रैफिक भी है, उतना ज़्यादा नहीं है। या तो पीछे से अभी ग्रीन लाइट हुई है तो बहुत सारी गाड़ियाँ पीछे पीछे आ रही होंगी। और आप देख सकते हो कि हालात भी ऐसे हैं कि ट्रैफिक हल्का हल्का मूवमेंट में ही है, कोई जाम वाली स्थिति तो यहाँ होती नहीं है, क्योंकि जो हैवी ट्रैफिक है ज़्यादातर ट्रक्स का वो इस एलिवेटेड रूट के ऊपर से निकल जाता है, तो यहाँ पे नीचे ज़्यादातर वही छोटी गाड़ियाँ, कार्स, स्कूटर, ऑटोज, रिक्शाज तक होते हैं, ई रिक्शा जो कि वैसे यहाँ पे प्रोहिबिटेड है पर फिर भी यहाँ चल रहे होते हैं, और थोड़ी बहुत जो बसेस जो अंदर से विकासपुरी की तरफ से आ जाती हैं वो भी यहाँ होती हैं, तो इतना हैवी ट्रैफिक नहीं होता, तो जाम वगैरह की स्थिति नहीं होती है, बट लाइट्स जो ट्रैफिक है यहाँ चलता रहता है और हल्की हल्की ठंडक, गुलाबी ठंडक। अंदर वाली रोड पे भी ट्रैफिक है ही है, जो उस तरफ से आ रही है ना सामने की साइड से रोड, ये गणेश नगर तिलक नगर की तरफ से इस तरफ को आती है, तो इस तरफ इस टाइम पे यहाँ पे रश बहुत ज़्यादा होता है। आप देख रहे हो अनइंटरप्टेड ट्रैफिक चल रहा है और ये वही होली के लिए जो इकट्ठा किया जा रहा है लकड़ियाँ। हवा तो आज हल्की हल्की सी चल रही है, ये फ्लैग जो है हल्का हल्का लहराने की कोशिश कर रहा है, हालांकि हमारे वाले लेवल पे यहाँ नीचे इतनी हवा नहीं है, बट वहाँ पे हल्की हल्की सी हवा महसूस हो रही है, फ्लैग को देख के लग रहा है। और हम हैं वही अंधेरे वाली जगह पे, हल्की हल्की लाइट्स जो सामने से आ, ये एक लास्ट यहाँ पे लाइट रह जाती है, इससे हमारा फेस दिख जाता है, अदरवाइज तो अंधेरा है ही है। चलो जी, गेड़ी का टाइम होता है ख़त्म, अब हो गए हैं 8:42, ऑलमोस्ट 8:45 एट द नाइट, और हम चल रहे हैं कमलेश के पास, चलते हैं और खाना लेते हैं क्योंकि भूख भी लग रही है और एनर्जी भी लेवल डाउन हो रहा है, ऑलमोस्ट द टाइम फॉर डिनर, सबसे पहले उसके बाद चलते हैं खाना पैक करते हैं और फिर घर चल के अपडेट करेंगे। ये देखो कमलेश की कलाकारी कैसे फर्स्ट क्लास, हरी मिर्ची खच 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 जा रही है, खच 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 जा रही है, खच खच मस्त। ये कट गए प्याज भी, देखो क्या मस्ती में करता है काम ये हमारा भाई, खाने की हो रही है तैयारी। पता है तुझे, तेरी एक वीडियो को देख के ना हमारे एक सब्सक्राइबर भाई है, अपनी फैमिली का हिस्सा है, उनका इंडियन तड़का व्लॉग के नाम से चैनल भी है, उन्होंने लिखा कमलेश भाई ऐसे करके, तो बोल दे थैंक्स तो कर दे उनका, नमस्कार भाई तो कर दे उनको, मजा आ गया ना, तो अब ये वीडियो भी देखेंगे फिर तेरे को तारीफ करेंगे, राइट। सो खाना बना रहा है और खाना ले जाते हैं और फिर मिलते हैं घर पहुंच के। पहुंच गए हैं जी घर पे, ये आ गई है आज फिर अपनी ब्लैक कॉफी, मेरे को पता नहीं क्यों इस टाइम पे आपने लग गई जलन, अब पता लग रहा है कि गर्मियां आ गई हैं, सर्दियों में जब ऐसे पकड़ लेता था ना तो काफ़ी देर तक पकड़ पाता था तो एकदम से एकदम जल जाता है हाथ। एनीवेज साथ में अपना रोल भी आ गया है, ये रहा, और आज भी उसने यही करा है कि साथ में खाने वाली चटनी जो होती है ना वो फिर से आज डालना भूल गया, अभी कॉल करके उसको बताया मैंने कि तू चटनी डालना दोबारा भूल गया। एनीवेज हमारे पास थोड़ी सी रिजर्व पड़ी होती है, देखते हैं कौन सी है वो खा लेंगे, और 100% आटा ब्रेड भी है वो भी खा लेते हैं, और कल की वीडियो आपको जो आने वाली है ना उसमें कुछ नया कुछ अजीब कुछ नया अजीब क्या बोलूँगा, चलो सरप्राइज रहने देते हैं, कल वाली वीडियो जरूर देखना। हम दिल्ली से बाहर जा रहे हैं कहीं पे, कहाँ जा रहे हैं, क्या करने जा रहे हैं, कब वापस आएंगे, क्या करेंगे पता नहीं मेरे को, बस आप कल की वीडियो जरूर देखना। तो वीडियो कर रहे हैं यहीं पे ख़त्म, यहाँ तक देख लिया तो लाइक किए बिना बिल्कुल मत जाना, अगर अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन दबा लेना, ऑल नोटिफिकेशंस ऑन करना मत भूलना, जिससे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाया करेगी। साइनिंग ऑफ, टेक केयर, स्टे ब्लेस्ड, नमस्कार, खुदा हाफिज, सत श्री अकाल।